ओम शांति। आज हम योग अभ्यास करेंगे नुमासान योग में और अमृत वेला में। शिव बाबा कहते हैं, संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और सर्वप्रिय होती है। आज अमृत वेला के पावन क्षणों में हम सभी आत्माएं प्रभु के संग के रंग में रंग कर संतुष्टता का सुंदर अनुभव करेंगे। मैं आत्मा स्वयं के मानस पट पर सुंदर चित्र निर्माण कर रही हूँ। ब्रह्मा तन में शिव बाबा हमारे सामने खड़े हैं, एक ही दिशा में, जैसे चांद और सूरज एक साथ उदित हो गए हो, तेजस्विता और शीतलता का अद्भुत संगम, साथ ही झिलमिलाते सितारों की सभा, फरिश्ता स्वरूप ब्राह्मण आत्माएं, बाबा का अद्भुत अलौकिक प्रभाव मुझे पारदर्शी बना रहा है। शिव बाबा की भृगुटी से बहता प्रकाश और मेरी आत्मिक चमक किसी पारदर्शी झिलमिलाते हीरे के समान दिखाई पड़ रही है। हृदय में उमड़ते भावों का ज्वार मौन धारण किए हुए है। धरा से आकाश तक तैर रहा है, बाबा का प्यार ही प्यार है। बाबा के सामने शोभामान सुंदर थाल, चंदन रोली का तिलक बैज और सुंदर महकते गुलाब, बाबा के सन्मुख अतीन्द्रिय सुख को स्वयं में आत्मसात करती हुई मैं आत्मा बाबा की समीपता का सुख अनुभव कर रही हूँ। बाबा का मेरे माथे पर मीठा सा स्पर्श अनुभव कर रही हूँ। आज मेरा राज तिलक हो रहा है, भृगुटी के मध्य विजयी तिलक लगाते बाप दादा संगम युगी राजधानी के लिए मेरा राज्य अभिषेक कर रहे हैं। संपूर्ण पावनता और सतयुगी राजधानी दोनों उपहार एक साथ मिल रहे हैं। शुक्रिया मेरे बाबा की मधुर मीठी सी सरगम मन में बज रही है। बाबा की आंखों में प्यार का सागर उमड़ रहा है। बाबा मुझे विजय का तिलक और वरदानी गुलाब दे रहे हैं। मीठे बाबा, आज तो मेरा आंचल भी छोटा पड़ गया है। आज सर्वस्व प्राप्तियों की संतुष्टता प्राप्त हुई है। इसी संतुष्टता की गहराई में मुझे जाना है।
पाना था सो पा लिया, अब और कोई आस बाकी नहीं रही, अब और कुछ नहीं चाहिए, मैं बाप दादा के साथ बिंदु बन बैठी हूँ, एकदम बीज रूप अवस्था में, चारों ओर से आती संतुष्टता की शक्तिशाली किरणें, मैं संतुष्ट आत्मा संतुष्टता के सागर में समाई हुई संतुष्ट मणि हूँ, यही संकल्प चल रहा है। इस सुंदर अनुभव के लिए शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। ओम शांति।